और जो भाई साहब इनका प्राइस रेंज है ना, मैं तो वही देख के दंगू। मत भाई साहब, एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफी। तो भाई मेरी मम्मी ने मुझे कॉम्प्लेन नहीं पिलाया। और इसकी प्राइस सुनोगे ना तो आप और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओ। और बड़ी से बड़ी आइटम लास्ट टू लास्ट 80 रुपीज़ में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंकित फ्रॉम चटोरा अंकित, और आज हम लोग हैं बहुत ही डिफरेंट लोकेशन में। आपने यूजुअली मुझे वेसू में देखा होगा, अड़ाजन में देखा होगा, कतारगाम में देखा होगा, लेकिन आज हम लोग हैं टेक्सटाइल मार्केट एरिया में। और शाम हो रही है, अभी 4 बज रहे 4-5 बज रहे अराउंड, और मुझे लगी है तगड़ी सी भूख। और भाई मेरे पास पैसे भी बहुत कम है, तो इसीलिए मैं आज आया हूँ तेनालीरामा में, जहाँ की साउथ इंडियन आइटम्स बहुत ही बजट फ्रेंडली है। मतलब 100 रुपीज़ से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, और बड़ी से बड़ी आइटम लास्ट टू लास्ट 80 रुपीज़ में। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं मेकिंग आज क्या हम खाने वाले हैं, कौन सी इडली खाने वाले हैं, कौन से डोसास खाने वाले हैं, क्या इनके पास डेजर्ट में है, और फिल्टर कॉफी भाई सिर्फ 15 रुपीज़ में। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं। तो भाई ये देखिए, हमारी पहली थट्टे मसाला इडली आ गई है। और जैसा कि मैं ये समझ पाया हूँ कि ये एक फ्लैट इडली है, ऊपर जिसमें मस्त एकदम भर भर के देसी घी डाला हुआ है, और ऊपर पोड़ी मसाला डाला हुआ है, जो कि चेन्नई की बहुत फेवरेट चीज़ है। और इसकी प्राइसिंग भाई साहब जस्ट ओनली 45 रुपीज़। मतलब आजकल 45 रुपीज़ में क्या आता है, एक बंदे का पेट भी नहीं भरता। लेकिन आप ये खाओगे ना तो एक आदमी का आराम से एक फिल्टर कॉफ़ी ले लो और एक थटे मसाला इडली ले लो भाई, आपका आराम से पेट भर जाएगा। और साथ में आपको दिखाता हूँ भाई, मेरी मम्मी ने मुझे कॉम्प्लेन नहीं पिलाया, तो इसके लिए मेरी हाइट छोटी रहेगी। यहाँ पे ज़रा सा दिखाइए, यहाँ पे पार्टीशन वगैरह है, आप यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हो। मेरी हाइट छोटी रह गई है तो मुझे जुगाड़ करना पड़ रहा है, तो ये जुगाड़ से हमने बिठा लिया, मेरा टेबल बन गया। चलिए स्टार्ट करते हैं खाना, आपको टेस्ट करके बताते हैं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है भाई साहब, एकदम हल्का सा कट मारा, ये उठाया और इसको इडली में डिप किया, साथ में चटनी में डिप किया। इडली का मस्त एकदम सॉफ्ट सा टेक्सचर और देसी घी का मस्त टेस्ट, और साथ में ऊपर मसाले का तड़क, आय हाय मज़ा आ गया। चलिए एक ज़रा सा सांभर को बाइट लेते हैं। गुजरात में ना मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग गुजराती के हिसाब से सांभर को है ना मैन्यूपुलेट करते हैं, मतलब उसमें स्वीट डाल देते हैं, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी जो मैं बोलता हूँ मेरे लैंग्वेज में बोल के भंग कर देते हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे खिलवाड़ नहीं हुई है। मतलब ऑथेंटिक टेस्ट है जो सांभर का, साथ में चटनी टेस्ट करते हैं ज़रा सा। चटनी में भी नमक कम नहीं है, मैंने बहुत से जगह पे खाया है, नमक कम रहता है और अपने हिसाब से आपको डालना पड़ता है, लेकिन ये पहले से ही वैसा है। तो चलिए एक और बाइट लेते हैं इसका, और थोड़ा सा इस बार मसाला बीच में से निकालते हैं, सांभर में डिप किया। दिस मसाला इज लव, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कमाल का। तो चलिए एक बाइट और मारते हैं और आपको नेक्स्ट डिश टेस्ट करके बताते हैं कि क्या है, क्या आने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त और क्वालिटी यहाँ पे भाई साहब बहुत ही अमेजिंग।
भाई ये देखिए हमारे यहाँ की जो USP डिश है रवा डोसा आ गया, और क्रंची देखिए भाई साहब क्या सही क्रंची है। फोटो वोटो के चक्कर में थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मे बी आपको साउंड ना आए, बट ये क्रंची डोसा है और ऑथेंटिक टेस्ट है, और सांभर है साथ में, और इस बार देखिए थोड़ी ड्राई कोकोनट वाली चटनी मिली है। ये देखिए कितनी मस्त लग रही है। एक और बार चटनी के साथ लेते हैं खाली। एक बार जरा से इसके कॉर्नर्स निकालते, कॉर्नर्स हमेशा यहाँ पे क्रिस्प अभी भी बरकरार है। ये देखिए और इसमें भी घी वगैरह डाली हुई है। ये देखिए क्रिस्प पापड़। जैसा क्रिस्प चाहिए होता है एग्जैक्टली वैसा है, और उसमें हल्का हल्का पालक के पत्ते स्प्रिंकल किए गए हैं। सांभर एग्जैक्टली वही वाली है जो लास्ट आपको दिखाई थी थाटे मसाला इडली में। चटनी चेंज हुई है हमारी जो कि ड्राई है। ये देखिए टेक्सचर कितना कमाल का। चटनी लेते हैं यहाँ पे और इस पर थोड़ा सा ऊपर से चटनी लगाते हैं, थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं, सांभर में डिप किया। तो यहाँ पे आओ, ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, रवा डोसा। रवा डोसा 50 rupees ओनली, मतलब ये भी है एक बजट वाली चीज़। यहाँ पे नॉर्मल डोसा 50-50 से स्टार्ट होता है, तो आपको रवा डोसा एकदम मस्त क्रिस्पी वाला 50 rupees में मिल रहा है। दिस इज़ अनदर बजट फ्रेंडली चीज़, तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए एक और बाइट मारते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट डिश के साथ। तो भाई ये देखिए हमारी तीसरी चीज़ आ गई है, और तेनालीरामा की होल एंड सोल आ गई है। मतलब सूरत में जो लोगों को पसंद आता है, यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें तो है लेकिन कॉमन चीज़ें भी है। मतलब हमारे सूरत में भाई साहब लोग क्या है कि इडली और मेंदू वड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक प्लेट वो भी दिखाना बनता था, और साथ में ये ऑथेंटिक फिल्टर कॉफ़ी। आय हाय हाय हाय, मतलब मज़ा ही आ जाए। और इसकी प्राइस सुनोगे ना तो आप और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे। सिर्फ 15 rupees, मतलब 15 rupees में आज तो क्या ही मिलता है, चॉकलेट भी नहीं मिलती। हम तो पूरी पूरी कॉफ़ी पी रहे हैं, वो भी फिल्टर कॉफ़ी, और वो भी देखो प्रेजेंटेशन कितना तगड़ा है। तो चलिए एक घुट मारते हैं इसकी पहले। भाई साहब एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, हल्का शुगर, जैसा चेन्नई में होता है एग्जैक्ट वैसा है। और एक बाइट मारते हैं अपने यहाँ पे, इसको साइड करते हैं ज़रा सा, मेंदू वड़ा का। मेंदू वड़ा का क्रिस्प देखो, ये देखिए कितना ज़ोरदार। इसको इसमें लगाया, चटनी में डिप किया, और ये देखिए क्या बढ़िया बाइट बनी है। क्रंची, मतलब मुझे आपसे बात करने की इच्छा नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है शाम हो गई है, शाम मस्तानी हो चुकी है, सुहानी हो चुकी है, चुपचाप ऑफलाइन जाऊं, मेंदू वड़ा लूं, 2-4 और मंगवाऊं और खाता जाऊं, आपसे बात ही नहीं करें। मेरे को तो ये खाना है, लेकिन आपको दिखाना है तो दिखाना पड़ेगा, इडली भी खानी पड़ेगी। तो इडली में बाइट मारते हैं एक। ये चटनी में डिप किया, और ये देखिए बढ़िया सा एक बाइट।
सांभर गर्मा गर्म, चटनी एकदम ठंडी सी और सॉफ्ट सॉफ्ट इडली, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन, मतलब इससे बेस्ट नाश्ता मैं बोलता हूँ हो ही नहीं सकता। तो चलिए एक और बाइट मारते हैं मेंदू वड़ा की और उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ की सबसे हैपनिंग डेजर्ट केसर सीरा, मतलब मेरे लिए भी मैं नया है, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और एक बाइट पहले मार के देखते हैं। तो भाई ये देखिए हमारे पास आ चुकी है साउथ इंडिया की सबसे गजब की डेजर्ट जो कि है केसरी सीरा। और भाई साहब देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये देखिए। और यहाँ पे मैं आपको ज़रा सा प्रेस करके दिखाऊँ तो घी से तर बतर एकदम, काजू वगैरह डाले हुए अंदर। और ये देखिए भाई साहब इसमें लौंग भी है, ये देखिए इस तरफ घुमा के दिखाता हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एक लौंग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, साथ में जो काजू रोस्ट करके डाला हुआ है उसका फ्लेवर आ रहा है, और साथ में हमारा सीरा जो कि एकदम मस्त स्वीट है। मतलब इतना सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जा रहा है, इतना ज़ोरदार लग रहा है। एक और बाइट मारते हैं ये देखिए कितना मस्त टेक्सचर है, एकदम घी से तर बतर है एकदम, और अंदर लौंग वगैरह डाले हुए हैं। वैसे बिरयानी में होता है ना कि इलायची जो होती है उसका फ्लेवर स्ट्रांग एकदम ज़बरदस्त लगता है, लेकिन इलायची मुंह में आ जाए तो आपको तकलीफ हो जाती है, वैसे ये चीज़ है। लेकिन इसका लौंग का जो स्ट्रांग फ्लेवर आ रहा है ना भाई साहब, मज़ेदार एकदम, इसके टेस्ट को वही इन्हेंस कर रहा है। तो अगर आप डेजर्ट लवर है तो ये चीज़ यहाँ की ज़रूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई, हाईली रिकमेंडेड। तो चलिए एक और बाइट लेते हैं और आपको अलविदा लेते हैं आपसे और आपको ओनर से बात करके बताते हैं। तो भाई जैसा कि आपने देखा हमने कितनी सारी आइटम्स यहाँ पे ट्राई की, रवा डोसा था, मेंदू वड़ा था, इडली था और फिल्टर कॉफ़ी, भाई साहब नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। और केसरी भात आए हाय हाय हाय, जो लौंग का जो टेस्ट आ रहा था उसमें एकदम नेक्स्ट लेवल। तो चलिए अभी हमारे सामने हैं यहाँ के दोनों ओनर, आइए इनसे इनका नाम जानते हैं, तेनाली रामा के बारे में जानते हैं, एड्रेस जानते हैं और यहाँ की टाइमिंग्स जानते हैं। तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आंचल है। अच्छा मैम आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जानवी है। तो मैम तेनाली रामा क्या है जरा हमारे व्यूअर्स को एक बार ना थोड़ा डिस्क्राइब करके बता दीजिए। तेनाली रामा एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड आउटलेट है जो कि QSR सिस्टम पे चल रहा है। क्विक सर्विस है एकदम, आप आएंगे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आप जो भी ऑर्डर करेंगे आपको फटाफट मिल जाएगा, और एकदम ऑथेंटिक साउथ इंडियन जो आप देखेंगे सूरत में है ना, थोड़ा सा गैप है, ऑथेंटिक नहीं मिलता है, थोड़ा स्वीट होता है, डोसा पतला होता है, तो वो गैप्स हमने कवर करने की कोशिश की। और प्रॉपर जो आप साउथ में, आप एक बार आकर यहाँ खाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप साउथ जाके खाकर आ रहे हैं। Exactly. और जो भाई साहब इनका प्राइस रेंज है ना, मैं तो वही देख के दंगू, मतलब 30 रुपये से लेके 80 रुपये तक में सारा सिमट जाता है इनका मेन्यू, 100 रुपये भी टच नहीं कर रहा, मतलब इट इज़ द नेक्स्ट लेवल थिंग। इतना कोप अप करना बहुत मुश्किल है, बट इन्होंने करके दिखाया और मार्केट एरिया में सर्व कर रहे, और भाई 1 से 4 के बीच में इनकी जो रश रहती है लंच टाइम में, मतलब मैं भी एक बार डर रहा था कि ये लंच टाइम पे तो मैं शूट करने नहीं आने वाला, तो यही चीज़ है। तो चलिए अभी आपको एड्रेस बताते हैं यहाँ का। मैम एड्रेस बता दीजिए एक बार हमारे। सर अपना एड्रेस है G8 एकता टेक्सटाइल मार्केट, बिहाइंड यूनिवर्सल टेक्सटाइल मार्केट, कमेला दरवाज़ा, रिंग रोड। एंड मैम आप यहाँ की एक बार टाइमिंग्स बता दीजिए ज़रा सा। सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक। ओके चलिए, थैंक यू सो मच मैम। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ तो तेनाली रामा का जो मार्केट वाला आउटलेट है वो तो है ही है, लेकिन अपकमिंग डेज़ में और भी आउटलेट्स आने वाले हैं। मैंने सुना है एक आध जगह पे भाई लोकेशंस काफ़ी तगड़ी है, एक तो रिलायंस मॉल है, मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, बहुत ही जल्द आने वाला है, और भी 2-3 जगह पे आने वाले हैं।
तब तक मैं आप चटोरा अंकित को फॉलो कीजिए, तेनाली रामा को इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने साउथ इंडियन लवर्स फ्रेंड के साथ जो साउथ इंडिया फूड को पसंद करते हैं खाना, और उन्हें बताएं कि यहाँ पे अमेजिंग प्राइस पे इतना बढ़िया खाना मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग जगह जाके न्यू फूड के वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। तो एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए भी बनता है ना।